काराकाट में पवन सिंह के साथ मुकाबले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा केवल मीडिया और सोशल मीडिया में है टक्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। पांचवें चरण के मतदान के निकट आने के साथ ही इसी कड़ी में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जहां उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की है, तो आपको बता दें चले लगातार बिहार में पूरी तरीके से इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा चुनाव में पवन सिंह से टक्कर पर बताया है कि वह विषय ही नहीं है जो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में है, उसके बारे में क्या कहना। जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है, मोदी जी ने आज देश को विकास का रास्ता दिखाया है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने आज देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है और लगातार वो आज ही नहीं, लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक लाने की कोशिश की है और हर एक क्षेत्र में उनको सफलता भी मिली है। वहीं कुशवाहा समाज के वोटर की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कुशवाहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देख रहा है, इसके लिए सिर्फ एक एनडीए गठबंधन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सारी चीजों का हल बस एनडीए गठबंधन है। उन्होंने कहा कि मैं कुशवाहों का नेता नहीं हूं, मैं सभी वर्गों के लोगों की सेवा करता हूं, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, मैं सभी के साथ समान व्यवहार करता हूं, लेकिन लोगों की सोच है कि मैं केवल कुशवाहों का नेता हूं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, मैं सभी वर्गों के लोगों के साथ हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म हो, मैं सभी के साथ हूँ, सभी भी धर्मों की मैं इज्जत करता हूँ। इस दौरान उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर को भारी मतों से जिताने की अपील की है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि एनडीए के प्रत्याशी, आपको बता दें जदयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर को भारी मतों से लोग जिताएं और भारी मतों से लोग विजयी बनाएं। तो आपको बता दें चले उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा चुनाव में पवन सिंह से टक्कर पर बताया है कि वह कोई विषय ही नहीं है जो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में है, उसके बारे में क्या कहना। तो आपको बता दें चलें जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है, मोदी जी ने आज देश को विकास का रास्ता दिखाया है। वहीं कुशवाहा समाज के वोटर की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कुशवाहा क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी देख रहा है। तो आपको बता दें चलें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं केवल कुशवाहा समाज के साथ नहीं हूँ, मैं सभी वर्गों और सभी धर्मों के साथ हूँ, मैं सभी धर्म की इज्जत करता हूँ और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप भारी से भारी मतों से देवेश चंद्र ठाकुर को विजयी बनाएं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें।